अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो फ्लाइट, वीजा, टिकट, क्वारंटीन या जॉब के बारे में, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोग के कॉमेंटों का सवाल का जवाब उठा मेरे वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी लोग पूछना चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, चलते वीडियो की जोर और जान लेते हैं सबसे पहली खबर क्या आ रही है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो आ रही है, कुवैती सिटीजन की हत्या कर दी गई। खबर दोस्तों यह है कि कबाद एरिया में साथियों एक कार में दोस्तों एक कुवैती जो है वो गाड़ी चलाकर आ रहा था, जिसके बाद कुछ ग्रुप यानी कुछ लोगों के द्वारा गाड़ियों को जबरदस्ती रोका गया। रोके जाने उसे छीनछोर किया गया और दोस्तों उसका जब विरोध किया तो उसको शायद उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने बाद दोस्तों उसको कबाद एरिया के दोस्तों नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद साथियों वहां पर डॉक्टरों ने कुछ देर में मृत घोषित कर दिया, यानी उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल दोस्तों ये पूरा कंप्लेन जो है इसका दोस्त के द्वारा लिखाया गया, उसके साथ में दोस्त भी बैठा हुआ था जो गाड़ी जो चला रहा था, जिसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है, उन सभी लोगों को ढूंढा जा रहा है और सीसीटीवी कैमरा को दोस्तों पूरी तरह से खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन लोगों ने ऐसा वारदात दिया है। कुवैत में साथ ये वारदात काफी ज्यादा हो रहा है दोस्तों। कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक इंडियन शख्स को वहां पे नकली पुलिस वाला फौजी बन के दोस्तों रोकता है और उसे पूरा का पूरा लूट लेता है। तो दोस्तों यदि आप भी कुवैत में रात में यदि आप ट्रैवल करते हो, चलते हो, तो बिल्कुल सावधानी से चलिएगा, नहीं तो ये सब क्राइम कुवैत में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से आ रही, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से दोस्तों एक स्ट्रीट वेंडर को यानी दोनों रोड के किनारे दोस्तों कुछ सामान बेचने के जुर्म में दोस्तों एक एशियाई शख्स को वहां पे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो सेलिंग रोटेन फूड दोस्तों यानी जो होता है जो बिना दोस्तों जो खाने के लायक नहीं होता है, सोटेबल नहीं होता है लोगों के लिए, वो खाने की चीज वो लोग बेच रहा था, जैसे मछलियां वगैरह, मांस वगैरह रोड के किनारे बेच रहा था। जिसके बाद साथ ही कैंपेन चलाई गई थी, ज्वाइंट कैंपेन पब्लिक सिक्योरिटी सेक्टर की तरफ से और फूड अथॉरिटी की तरफ से। तो उन कैंपेन के दौरान दोस्तों वहां पे कुछ शख्स को गिरफ्तार किया गया है ऐसी चीजें बेचने के लिए जो कि बेचने का लायक नहीं है, उसके बाद भी वो लोग बेच रहे थे। दोस्तों ये घटना जो घटी है फाइल एरिया में, और फाइल एरिया में ये काम किया जा रहा था। अगली खबर दोस्तों यानी कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यानी एमओपीएच की तरफ से आ रही दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है कि कुवैत में अब सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस की अपडेट आपको अब नहीं बताई जाएगी। दोस्तों जो हमेशा आपको बताया जाता था हर दिन कोरोना वायरस की अपडेट, कितना केस आया, कितने लोग मारे गए, कितना रिकवर हुआ है, कितना परसेंटेज केस घटा है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको सोशल मीडिया पे हमेशा आपको देखने को मिल जाता होगा, पर आपको ये चीजें अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार अब केस जो है बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, खत्म हो रहा है। 24 घंटा में सिर्फ 280 केस ही पाए गए हैं और लगातार केस ड्रॉप हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। अब यदि चेक करना आपको है तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके आप चेक कर पाओगे, आपको सोशल मीडिया पे दोस्तों इसकी रिपोर्ट देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। अगली खबर की साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है सऊदी अरेबिया और कुवैत के बीच में आ रही है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि सऊदी अरेबिया रियाद शहर में एक ऑयल कंपनी में दोस्तों ड्रोन के जरिए किसी आतंकवादी हमला किया गया, जिसके वजह से दोस्तों काफी ज्यादा कुछ नुकसान हुआ है सऊदी अरेबिया रियाद में। उसको लेकर कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्डेम यानी दोस्तों दुख को व्यक्त किया गया, स्ट्रांगली दुख को व्यक्त किया गया। दोस्तों उनको फोन रियाद के गवर्नमेंट से बात करके दोस्तों फोन पे बातचीत की गई और अपने दुख को व्यक्त किया गया, इस पे सहानुभूति जताई गई। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर है। तो साथियों बताना चाहूंगा आपको कि इंडिया से एक मिसाइल के द्वारा दोस्तों गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान में जाके चला गया था। फिलहाल अच्छी खबर यह है किसी का जानो माल का नुकसान नहीं हुआ है, पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, टेक्निकल इशू था, इसी की वजह से यह घटना घटी। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को जानो माल का खतरा नहीं हुआ है, ये टेक्निकल इशू था। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।